जिन धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक एवं नियमानुसार की गई है। उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा समय समय पे मर्यादाओं की सीमा को लांघते हुए भी ट्वीट किए गए हैं, यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं के विरुद्ध भी उसके द्वारा अशोभनीय, अभद्र एवं जातिगत विद्वेष से भी ट्वीट किए गए हैं। लखनऊ पुलिस के द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। आगे की कार्रवाई जैसा कोर्ट का निर्देश होगा उस अनुसार अमल में लाई जाएगी। जो विभिन्न धाराएं जिनमें अभियोग पंजीकृत हैं उनमें से कुछ 153 ए, 295 ए, 500, 505 2, 504, 66 ITI एक्ट, उसी तरीके से दूसरे अभियोगों में भी 153 बी, 295 ए, 298, 420 और IT सेक्शन के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा एक अभियोग में 354 ए की भी धारा लगी हुई है। अब आगे की कार्रवाई माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्रवाई होगी उसके बाद ही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत उनके द्वारा यहाँ उनको चाय पीने का भी ऑफर किया गया, उन्होंने चाय पिया और यहाँ से फिर प्रस्थान कर लिया। क्या क्या बताया जा रहा है कि क्या शांति भंग की आशंका है, 151 में गिरफ्तारी हुई है? मैंने बताया कि जो नियमानुसार और विधिक कार्रवाई लखनऊ पुलिस के द्वारा की गई है इस संबंध में उनके द्वारा अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। शांति व्यवस्था भंग होने के पूरे आसार थे, इसी आधार पे लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है। आपने कहा कि अखिलेश यादव ने चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं चाय नहीं पिएंगे, पुलिस हमें भी जहर दे सकती है। नहीं, इसके बाद से जो सक्षम अधिकारी यहाँ सभी लोग मौजूद थे, सबके सामने उन्होंने चाय पिया। ऐसी जब कोई इतने बड़े मुख्यालय पे आता है तो इस तरह की एक बेसिक गरिमा होती है और उनके साथ हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी प्रॉपरली पेश आए। सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ स्वयं मौजूद थे, उनकी बातें सुनी गई, उनको पूरी बातें बताई गई, उसके बाद से वो संतुष्ट होकर गए। सर, क्या क्या आपने ट्वीट देखे, क्या उन ट्वीट की जो भाषा है उसको अभद्र, अश्लील या शोभनीय कहा जा सकता है? ये चीज़ें समय समय पे आती रही हैं, विभिन्न तिथियों में, नवंबर से ही ये प्रकरण चल रहे थे और जैसा कि मैंने बताया कि पूरे गहन विवेचना के बाद ही लखनऊ पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई की है। उस संबंध में सारे वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं और स्थानीय अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स से पुलिस पर दबाव बनाने की कि आप किसी को गिरफ्तार करें, इस तरह से प्रोटेस्ट करें? ये जो आगमन था इस संबंध में कोई सूचना न तो पहले से दी गई थी न तो कोई कार्यक्रम। आपको विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यहाँ धरना स्थल पहले से ही निर्धारित है जहाँ पे कि धरना प्रदर्शन इत्यादि किया जाता है और पुलिस के द्वारा वहाँ आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं। ये आकस्मिक स्थिति हुई थी जिसको बहुत ही शालीनता से और सभ्य तरीके से पुलिस ने इसको निपटाया है। और जहाँ तक बाहर की का प्रश्न है, मैंने बताया कि इस संबंध में वीडियो फुटेजेस हैं, उसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। ये सभी चीज़ें स्थानीय पुलिस के द्वारा जब पर्याप्त साक्ष्य मिल जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि पता नहीं चला पूर्व सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के मुख्यालय? इस संबंध में कोई पहले से घोषित कार्यक्रम नहीं था। धन्यवाद।